आज डॉक्टर अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने हर साल की तरह इस बार भी एक डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड का कार्यक्रम किया है और मेरे साथ यहाँ पर रविंद्र हैं जो सेक्रेटरी हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। रविंद्र, किस तरह का आयोजन है और लगभग कितने लोगों को आप यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन हमारा 2013 में हमने इसको बनाया था, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट मिले, क्योंकि इसमें जितने भी अभी तक अपने लोगों को जो उच्च स्तर पर काम करते आए हैं, घूम जाओ हमारे समाज के जितने भी लोगों ने आज तक काम किया है समाज में, उन लोगों को आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और उस चीज़ का हम लोगों में बड़ा दर्द मिलता था देखने को। इसीलिए हमने अपना एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है NGO, जिसको हम बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के समाज के बुद्धिजीवी लोगों के डोनेशन के साथ कुछ हेल्प लेके इधर उधर से ऑर्गेनाइज करने की हम कोशिश करते हैं। और ये हमारा इस बार 5वां आयोजन है जी, जिसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ सोशल वर्कर और हमारा एजुकेशन फील्ड, आर्ट एंड कल्चर, सिंगिंग और काफ़ी इस तरह की कैटेगरी। अच्छा, इसमें मैंने कुछ डिसेबल बच्चों को भी अवार्ड लेते हुए देखा है, तो ये कहाँ से भावना आती है कि उन बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करें? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लोग सम्मान के रियल हकदार हैं वो उनको नहीं मिल पाता है, उसी चीज़ को हम पूरे देश में सर्चिंग करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 40 अवार्डीज हैं और 30 स्टेट यहाँ पर हैं, आपसे एक स्टेट से एक या दो लोग जो बिल्कुल क्रीमी लेयर है हमारे समाज की, उसको हमने स्टेज पर सम्मानित करने का काम किया है। तो आगे बच्चों को, युवाओं को क्या आप प्रोत्साहन के बारे में कहना चाहेंगे जिससे वो भी समझ तक पहुँच पाए? अभी हम अपने युवाओं से, अपने समाज के युवाओं से यही कहना है कि अब उनको सम्मान देने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपनी आपकी हो चुकी है, आप मेहनत करें और उसका फल आपको मिलेगा। सम्मान देने के लिए हम स्टेज तक पहुंचाएंगे और दूसरे जितने भी अवार्ड होते हैं सरकार के वहाँ मौजूद कर देंगे आपको खड़ा करने के लिए, कि वो आपकी प्रोफाइल उनको दिखाई दे, ये हमारा मकसद है। धन्यवाद। Very bravely, he faced all the obstacles and hurdles in life. Mamta Gupta, please give a big hand for him. Please give a very, very big hand for him. डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड प्रोग्राम में मुकेश सिद्धार्थ मेरे साथ हैं, स्वयं जूडो कराटे के बहुत बड़े चैंपियन हैं और आज के इस कार्यक्रम में वो मेंबर भी हैं डॉक्टर अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के। मुकेश जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, पहले तो आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। ये हम ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन, पूरे भारत में जो ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्कर हैं, किसी ने भी अपने किसी भी डिपार्टमेंट से जो अपने अपने क्षेत्र में वर्क किया है, ऐसे लोगों को एक पहचान देने का काम हम लोग कर रहे हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से। बच्चों के बारे में बताओ, कितने बच्चों को कहाँ से क्या है? इसमें हमने इस बार जो है 50 लोग, 5वां प्रोग्राम है ना ये? जी, 5वां प्रोग्राम है और 50 लोगों को हमने अवार्ड दिया है, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, देहरादून और तेलंगाना वगैरह से भी लोग आए हैं। और एक पार्टिसिपेट तो हमारी ऐसी हैं जो दुबई से इस अवार्ड को लेने के लिए आए हैं, तो बहुत ही सम्मान की बात, सम्मान का जो एक कार्यक्रम है और बहुत हर्ष का विषय है ये। और क्योंकि आई हैव विटनेस्ड हिज विजडम, हिज एक्सीलेंस फॉर द सोसाइटी, सो हिज achievements are various।
डॉक्टर अंबेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आज जो पांचवा अंबेडकर नेशनल अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, बहुत खास है आज का दिन। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ख्याति प्राप्त गायिका हैं गिन्नी माही, वो इस कार्यक्रम में आई हैं और आपको मैं मिलवा रहा हूँ बिना देर किए। गिन्नी कैसे हैं? गिन्नी क्या है विचार और क्या है आपका आज का दिन के लिए युवाओं को संदेश, जिससे के जो दूसरे युवा हैं वो भी कम से कम इस मंच पर आ सकें? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पर भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है, और अगर अपने आप पर आपका भरोसा है तो आप ज़रूर जो आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। और थैंक यू सो मच, मैं इस फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड के साथ सम्मानित किया है आज, और थैंक यू सो मच। गिन्नी देश विदेश में आप बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसा लगता है महिला होने के बावजूद आप घर से निकलते हैं पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्यार आपको मिलता है? देखिए, क्या ऐसी कल्पना की थी आपने? नहीं, सोचा तो कभी नहीं था, बट हाँ ये ज़रूर था कि दिल में एक वो कहते हैं ना कि जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट रही है मुझे शुरू से ही, और मेरे पेरेंट्स की, और पेरेंट्स की सपोर्ट की बदौलत ही आज की नीमा ही यहाँ पर पहुँची है, यहाँ तक पहुँची है। और हाँ ये ज़रूर था कि एक ना एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे और ज़रूर दुनिया में नाम करेंगे, बट इतनी छोटी उम्र में इतना सब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और हमेशा याद रहेगा। और सभी दर्शक जो प्यार करते हैं, वेल विशेज हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके प्यार की बदौलत ही है, उनकी दुआओं की बदौलत ही है आज की नीमा ही की अलग पहचान पूरी दुनिया में बनी है। और चाहे बात अपने देश की हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री जाकर बात करने की कोशिश करें, तो बात करें तो यही कहूँगी कि सभी का जो जज्बा है बाबा साहिब जी को लेकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जो अपना आइडल मानते हैं मेरी तरह, जो उन्हें फॉलो करते हैं, सो उनके लिए तो हमेशा ही मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है, और उनका जज्बा देख कर अपना जज्बा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। गिन्नी माही आइडल है हर उस लड़की की जो ऊँचाइयाँ छूना चाहती हैं। तो गिन्नी अगला लक्ष्य क्या होगा आपका? अगला लक्ष्य यही है कि जो जिंदगी में मैं गोल अपना पाना चाहती हूँ, आई वांट टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर, एक वर्स स्टाइल सिंगर बनना चाहती हूँ, और वो कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँ, और मेहनत के ज़रिए ही इंसान आगे बढ़ पाता है। और बाकी जो रही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब जी की सोच, उनके विचारों की, उनके मूवमेंट की, उनके मिशन की, सो वो भी हमेशा साथ में सारी उम्र मेरा कॉन्टिन्यू रहे, और साथ ही साथ मेरा एम भी ज़रूर। तमाम बहुजन मीडिया के करोड़ों दर्शकों के लिए गिन्नी माही का एक सॉन्ग के दो लाइन यहाँ पर हो जाए, जो बाबा साहब को समर्पित हो। सो मैं बाबा साहब जी को डेडिकेटेड तो मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, सो मैं जो मेरा फेवरेट वन सॉन्ग है, फिलहाल तो सारे फेवरेट हैं, पर जो अभी मेरे हिसाब से जो मुझे सुनाना चाहिए, सो आप सब जरूर गौर फरमाइएगा। हर किसी की हम गुलामी करते ही रहते, जुल्म को सह लेते मगर हम कुछ भी ना कहते, सर उठा कर हम कहीं भी आते जाते ना, सर उठा कर हम कहीं भी आते जाते ना, अगर भीम जी बाबा साहिब जी इस दुनिया में आते ना, दुनिया में आते ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बाबा साहिब जी इस दुनिया में ना आते, अगर बाबा साहिब जी हम सबके लिए आवाज़ ना उठाते, हम सबके लिए संघर्ष ना करते, शायद हमारी जो ये इतने अच्छे हालात हैं ये ना होते। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। समता आवाज़ टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं
और उसके बराबर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। संत आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, संत आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।